हिमाचल प्रदेश में 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर अब पशुओं के लिए भी मोबाइल वेटरनरी यूनिट शुरू होने जा रही है। अगले माह से सोलन में 3 मोबाइल वेटरनरी यूनिट पशुपालन विभाग को मिल जाएगी। इससे किसानों को खासा फायदा मिलने वाला है। किसान प्रशासन के टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल करके पशुओं के स्वास्थ्य संबंधी और टीकाकरण की सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही पशुओं का मौके पर ही इलाज हो सकता है। बताना चाहूँगा कि प्रदेश सरकार द्वारा, विभाग के द्वारा नेशनल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत पूरे जो प्रदेश के ब्लॉक हैं, 44 ब्लॉक, इसमें मोबाइल चिकित्सा वैन के माध्यम से जो है पशुपालकों को के पशुओं को सेवा प्रदान की जाएगी। इसमें जो पशु संजीवनी परियोजना है, इसमें जो 1962 नंबर है, किसान जो है 1962 नंबर डायल करके अपने पशुओं के चिकित्सा संबंधी, टीकाकरण संबंधी, उनके स्वास्थ्य संबंधी पूरी जानकारी जो है इस नंबर से ले सकते हैं। और जिला सोलन में जो है ये ऐसा लगता है कि अगले महीने में जो है ये जो योजना है ये विभाग के द्वारा जो है कार्यान्वित की जाएगी, और इस योजना के आने से लोगों को और भी सुविधा जो है मिलेगी, क्योंकि जो मोबाइल पशु चिकित्सा वैन है इसमें पशु चिकित्सक भी होगा, स्टाफ भी होगा, और जो है मौके पर भी जाके जो है इलाज कर सकेंगे। तो मेरा यही पशुपालकों से अनुरोध है कि अगर कोई ऐसी समस्या होगी, जैसे ये नंबर एक्टिवेट होगा तो इस पे आप कॉल कर सकते हैं और अपने पशुओं का इलाज और उसके स्वास्थ्य संबंधी कोई भी जानकारी जो इससे ले सकते हैं। इसमें जिला सोलन के लिए 3 मोबाइल चिकित्सा वैन के लिए कहा गया है, जिसमें एक हमारा नालागढ़ का होगा, दूसरा सोलन का है और तीसरा अर्की, जिसको कुनिहार उसमें रखा जाएगा। तो अभी 3 ही मोबाइल वैन जो है चलाई जाएगी।